मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पालमो गांव की नैनी देवी को ससुराल वालों ने बुरी तरह से मारा है। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं मामले की सूचना मुफस्सिल पुलिस को भी दे दी गई है। बताया गया कि नैनी देवी का विवाह 6 साल पहले जितेंद्र पंडित के साथ हुआ था। शादी के बाद 1 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद 1 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल की मांग के साथ इन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। यह सिलसिला पिछले 5 साल से जारी है। इस बार नैनी को ससुराल में पूरी तरह से मारा पीटा गया है। आरोप है कि जान मारने की नीयत से इस पर धारदार हथियार से यह हमला किया गया है। इस बाबत नैनी और इसके परिजनों का कहना है कि ससुराल वाले दहेज के लिए इसकी जान लेने पर आमदा है। क्या हुआ था आपके साथ? घर में कब 2 दिन से बोल रहा था कि एगो पापा को मांगे 2 चक्का और 1 लाख रुपया पैसा, 2 चीज हो गया तब तो ठीक से रखेंगे, नहीं तो मार के सीधे बढ़ाकर में भी बहुत पानी चल रहा है, वहीं फेंक देंगे पतन चलेगा, दूसरा शादी कर लेंगे, जो दहेज देगा ज़्यादा उसके साथ। कौन बोला ये बात? मेरा पति और मेरी सास दोनों बोला रहे ना, जो दोसर कर दूंगी सब ये तो टेंशन के ले रहे मारने कर बाद, और ससुर ने इतना बड़ा पत्थर से यहाँ पर मारा था। क्या नाम है ससुर का? दामोदर पंडित। सास का? चांदमणि देवी। और पति का? जितेंद्र पंडित। कब हुआ था आपका शादी? शादी हो गया 2-4 साल से बोल रहे हैं यही बात, हम बर्दाश्त करके रहते थे, बोलते थे कि कहाँ जाएंगे, पापा गरीब है, दो 3 खेत बेचा है, तब शादी किया है पापा, तो हम बोले कि कहाँ जाएंगे, हम गरीब है। तो अब रियाज ने पूरा जोर से मारने लगा और बोला आज तुम फेंक किए देंगे, बहुत पानी चल रहा है बड़ा कल। कब हुआ ये मारपीट? 7:30 बजे होती है रात को। हाँ। कई कहाँ घर है आपका? पालमो। सर मोटरसाइकिल मांग रहा था दमाद, बोलता बोल रखेंगे बेटी को, नहीं तो नहीं रखेंगे, और 1 लाख रुपया नकद दो, नहीं तो मार के फेंक देंगे बड़ा कर में, पतन चलेगा यहाँ। अब तुम लोग मतलब आप लोग रहिएगा उधर, तब इधर हम लोग इसको फरिया देंगे। कौन बोला था ये बात? दमाद मेरा। कब हुआ था ये बात? कल हुआ था, ऐसे तो पहले से भी चल रहा था, लेकिन पंचायती वगैरह करके गांव वाला समझा बुझा के उसको रखता था, उस टाइम बोलता था अच्छा ठीक है अब गलती हो गया अब नहीं करेंगे, कल का पूरा मतलब अथी हो गया सर। दहेज मांग रहा था? हाँ दहेज मांग।